अच्छा, मेरे पास ना हर रोज़ एक सवाल बार बार आ रहा है। आप भी देख रहे हो कि कमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जादुई पेन के बारे में बताओ। जादुई पेन क्या हम बना सकते हैं, कैसे बनाएं, क्या मतलब बन सकता है, क्या है इसकी रियलिटी, इसका मतलब हकीकत क्या है इसकी। दोस्तों देखिए, जादुई पेन जो है तो मैंने तो ये ना कहीं पर पढ़ा है और ना ही कहीं पर मैंने सुना है कि जादुई पेन बन जाएगा। ठीक है, अब आपका दिल टूटेगा जो भी मैसेज कर रहे थे वो मुझे माफ़ करना। ठीक है, जादुई पेन जो है वो बन नहीं सकता। ठीक है, मतलब जो आप सोच रहे हो कि हमने बस इधर लिखे पेन से और वो रियल हो जाए चीज़, ऐसा पेन नहीं बन सकता। शायद ये बचपन की जो शक्ल अकबर बुमबुम जो सीरियल है उसकी बात आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब एक जो आपने देखा है सीरियल देख करके, जो आप बोल रहे हो शक्ल अकबर बुमबुम जो सीरियल थी वो देख करके ही आपने ये सवाल किया है कि भाई जादुई पेन हमें बना करके दो, बन जाएगा तो कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें बताओ। तो भाई ये बनना बन ही नहीं सकता। ठीक है, सीधी सी बात, बन नहीं सकता। अब मैंने पढ़ा ही नहीं है यार, कहीं पर भी नहीं पढ़ा है और किसी ने मुझे सुनाया भी नहीं है। मैं हालांकि मेरे उस्ताद है, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया। तो ये मतलब जादुई पेन बन नहीं सकता है। और जितने भी लोग तुम्हें बताते हैं ना जादुई पेन बना लो और इससे बरकत होगी, ये होगी, वो होगी, इससे जो तुम लिखोगे वो सच हो जाएगा, ये फालतू की बात है। ठीक है, हाँ, एक पेन ऐसा बन सकता है जैसा कि भाई कहीं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पेपर वगैरह देने जा रहे हो। ठीक है, और आप मतलब आप पर बहुत ज़्यादा उसका टेंशन है पेपरों का, तो आप सूरह कलम को पढ़ लो और उस पर दम कर दो और चले जाओ, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको गैबी मदद मिल जाती है। ठीक है, उस सूरत के ज़रिए, उस पेन के ज़रिए से कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जादुई पेन जो आप सोच रहे हो कि भाई बस इधर लिखे उधर सच में हो जाए चीज़ें, सच में, जैसा कि मान लो मैंने बनाया कंप्यूटर, बना दिया मैंने एक कागज़ पर, तो रियल में कंप्यूटर बन जाए, ऐसा जो आप सोच रहे हो ऐसा बनना नामुमकिन है, बन ही नहीं सकता। ठीक है, और जो कोई भी बोलता है तुम्हें कि जादुई पेन बना लो, जादुई पेंसिल बना लो, तो ये सारी गलत बातें हैं, ये हो नहीं सकती कि जादुई पेन बन जाए। ठीक है, हाँ, आप अगर एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो, पेन का जहाँ पर ज़्यादातर काम है और आपके दिमाग पर टेंशन है, तो आप जो है तो सूरह कलम को पढ़ लो और उस पर दम कर दो और उसके बाद में चले जाओ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन जादुई पेन बनना नामुमकिन है। और क्या पता, मुझे तो पता नहीं है कि काले तंत्र विद्या करके, काला जादू करके लोग बनाते भी होंगे, मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं है, पता नहीं है। लेकिन जो मैंने बता दिया रियल बात ये थी कि जादुई पेन जो है तो नहीं बन सकता, और इसका जिक्र कहीं पर नहीं है कि जादुई पेन बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा। काले जो इलम करते हैं उनको शायद वो शायद बनाते हो और वही जो है तो बताते हो। ठीक है, कि काला पेन ये जो है तो मतलब जादुई पेन कैसे बनाए, कैसे बनता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता यार कैसे बनता है। हाँ, इस तरीके का आप पेन बना सकते हो एक, के आपको कुछ ना कुछ उससे मदद मिल जाए। ठीक है, कि आप सूरह कलम पढ़ लो, सूरह कलम पढ़ने के बाद में उस पर दम कर दो पेन पर और जो है तो कहीं पर भी चल जाओ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको हेल्प मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा कि जादुई पेन बन नहीं सकता। माफ़ करना मुझे, आपका दिल टूटा होगा, ज़रूर टूटा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की इसके बारे में, बहुत ज़्यादा, हाँ, गूगल पर ढूंढा, किताबों में ढूंढा, लेकिन कसम से नहीं मिला, कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिला कि जादुई पेन इस तरीके से बनता है और ये सारी चीज़ें तो है ही नहीं। ठीक है, तो बन ही नहीं सकता, छोड़ दो इसको। हाँ, इस तरीके का पेन आप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।